और ये वाला जो है हम ट्रैक्टर पंप, ये वेलकम बैक टू अदर चैनल। भाई आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ से हरदा, क्योंकि जिन्होंने मेरी लास्ट से लास्ट वाली वीडियो देखी होगी उसमें भाई हम लोग गए थे हरदा अपना ट्रैक्टर पंप या बूम स्प्रे बुक कराने के लिए। तो भाई उस दिन तो हम गए जब तक दुकान बंदी हो गई थी, तो आज हम उसको लेने के लिए जा रहे हैं, उसकी डिलीवरी लेने के लिए। तो आज हम उसकी डिलीवरी लेने के लिए जा रहे हैं हरदा, और चार लोग जा रहे हैं साथ में। और ये सचिन भैया है, इन्हीं का वो ट्रैक्टर पंप लेने जा रहे हैं, साथ में दीपक भैया और ये हीरो आदमी अपना। तो चार लोग जा रहे हैं, और भाई ये ट्रैक्टर है 52-10। तो आज हमारे को लेके आना है अपना ट्रैक्टर पंप, और चलते हैं फिर। चलो भैया बैठ जाओ। कितनी देर में तो तुमने ट्रैक्टर रोका है? ट्रैक्टर हमारे पास समय नहीं है, उसके लिए हमने 5 मिनट ट्रैक्टर रोका था। ये दो दो जांडियर एक साथ हो गए, एक ही अपना 52 और एक वो सामने आ रहा है। इतनी ओवरलोड मिट्टी लेके कहाँ जा रहे हैं ये भाई? ट्रैक्टर से हरदा जाने में 1 घंटा लगेगा। गाइस हमारे भैया जो है काफ़ी तेज ट्रैक्टर चलाते हैं, और इसके आते टाइम मैं चलाऊंगा, और जिन्हें नहीं पता भाई अपने को ट्रैक्टर चलाते हुए आता है। और ये क्या बोल रहे हैं भैया? भैया एक बार अपना इंट्रोडक्शन तो दे दो यार। भैया क्या खिलाओगे? भैया अपन 75,000 का नया सामान लेके आ रहे हैं, कुछ तो खिलाना पड़ेगा। टेचर भी ला रहे हैं 6,000 का, और कम से कम 80-85,000 का सामान ला रहे हैं। तो गाइस अभी हम हरदा के यहाँ रेलवे गेट पे पहुँच चुके हैं। ओ भयंकर ट्रैफिक है यहाँ, जिसको देखो वही जल्दी करते रहता है। अभी यहाँ पे रुके थे सोमानी हॉस्पिटल में, क्योंकि ये सचिन भैया का जो भांजा है वो यहाँ पे एडमिट है। चलो आ जाओ सब अंदर आ जाओ। लग रहा है थोड़ा चलन। अरे देसी लोग जब लिफ्ट में आते हैं तो ऐसे उल्टे उल्टे काम करते हैं। और जिया जी को आप जानते होंगे, आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा। हम लोग आ गए हैं अभी बंसल वाले के पास, और ये वाला जो है हम ट्रैक्टर पंप यही वाला लेके जा रहे हैं ना भैया? हाँ तो यही वाला भैया, यही वाला लेके जा रहे हैं। तो अपन तो वो नली वाला लेने वाले थे। नहीं नली वाला है ना ये। अच्छा इसमें नली लग जाती है, सिस्टम आता है। कौन सी कंपनी का भैया ये? जगुआर बंसल। कितने का है ये? 90,000 का। और भैया इधर भी काफ़ी सारी ये रखे हैं अलग अलग प्रकार के। कितने लीटर की है? प्लास्टिक वाली है, फाइबर की है, बहुत मजबूत टंकी है। अच्छा प्लास्टिक की है। तो भैया आप यहाँ दुकान पे बेचते हो कि हमारे साथ आए हो? तो फिर इतना ज्ञान थोड़ी चाहिए हमारे को। निकलो वापस। यहाँ पे ये पंप का जो इंस्पेक्शन चल रहा है, बड़े बड़ा से आदमी को लेके आए। तो अभी गाइस इसमें पानी भर दिया है, और अब इसको चालू करेंगे, चेक करके फिर लेके जाते हैं। तो जी अभी हमने पूरा ट्रैक्टर का, ये पंप का, ट्रैक्टर पंप का, बूम स्प्रे का पूरा सामान ले लिया है। अब घर चलते हैं सीधा, और आप लोगों को घर पे मिलता हूँ, और वहाँ इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में बता दूंगा। और तो गाइस कल हम लोग हरदा से आ गए थे, और आके हम लोगों ने ये जो नली का बंडल इसके साथ में आया था 1,000 फीट का, वो इसमें लपट दिया, और आज से इसको जो है हमने यहाँ पे स्टार्ट भी कर दिया है। वो आगे देखो उधर दवाई भी डलना स्टार्ट हो गई है इससे। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ क्या क्या है इसमें। आप ये जो 500 लीटर की टंकी, इसमें पूरी दवाई डाल दी हमने यहाँ, और इस पर यहाँ पे जो है प्रेशर वगैरह दिखाता है,
और पीटीओ से चलता है। और ये देखते हैं कितने की रेस पे चल रहा है, ये भाई शायद 8 या 9 की रेस पे चल रहा है इस पे, तो सही है। और इसमें फ़ायदा ये है कि आप वो जो पावर से दवाई डालते हैं उसमें खेतों में कुप्पे ढो के वो पावर भरना पड़ता है, और इसमें सीधा टंकी से अपना बस वहाँ पर वो नली खींच रहे हैं और आगे जो है वो डलती जा रही है, तो सही काम है भाई। और अगर आप लेना चाहते हो तो हमने ये हरदा बंसल वाले के पास से लिया था, मैंने बताया था आप लोगों को। तो इस वीडियो को भाई यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आप लोग पसंद आई होगी, पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में भाई सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।